हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ 7.1। एक्सरसाइज हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें ये पता करना है क्या इन पॉइंट्स को जॉइन करके कोई क्वाड्रेटरल बन सकता है। अगर बन सकता है तो फिर हमें उसका टाइप बताना है और आंसर हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट्स है वो है -1, -2, -1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो ये चार पॉइंट्स हमें गिवन है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इनसे कोई क्वाड्रेटरल बन सकती है। हम लोग इन पॉइंट्स को ए बी सी एंड डी कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए पहले आप एक रफली ग्राफ के थ्रू इनको प्लॉट करते हैं। आपके पास स्केल होगा तो प्रॉपरली आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें x की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 1 तक चाहिए, तो इसीलिए हमें ज्यादा वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में -1 और -3 तक जा रहा है, तो इसीलिए -3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आप चाहो तो एक और डिजिट लिख सकते हो। y पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करें तो हमें 2 तक चाहिए, तो 1, 2 एंड 3। और नेगेटिव y की बात करें तो हमें -2 तक मतलब है, तो -1, -2, -3 y। तो ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करते हैं। -1, -2, तो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज पॉइंट ए। मैं यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। B का है 1, 0, यानी कि x एक्सिस पे ये पॉइंट है, जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। दिस इज पॉइंट B। माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो ये पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर, -1, +2 एंड -3, 0, यानी कि और डी पॉइंट है -3, 0, एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये आपका बन गया पॉइंट डी। तो हम लोग जब इनको ज्वाइन करेंगे ऑर्डर में ए बी सी डी, तो आप देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटरल बन रहा है। लेकिन ये क्वाड्रेटरल क्या है? पैरलोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, या सिंपली पैरलोग्राम ही है? उसके लिए हमें अब इनके डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव और फिर होल रूट। चलिए तो ए बी की बात कर रहे हैं, तो x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 1, ये नेगेटिव फॉर्मूला से उठाया, प्लस y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 0, -1 और -1 -2 होते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर, -2 -0 -2 होंगे, तो ये आपका बन जाएगा 4 + 4, तो ऐड करेंगे रूट एट यूनिट्स। आप चाहो तो इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ये आपका 2√2 यूनिट्स बन जाएगा। 8 के फैक्टर्स बना के जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल सकते हो।
तो ए बी की जो वैल्यू है वो अपन साइड में लिख देते हैं 2√2 यूनिट्स। चलिए अब मैं इसको इरेज करके डीसी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो एबी के बाद अब अपन कैलकुलेट करेंगे बीसी। तो बी और सी में हम लोग एक्स वन को लेट कर लेते हैं 1, एक्स टू को -1 का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 गया 2 माइनस का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिख देंगे। और 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 + 4 √8, जिसे हम लोग 2√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। यानी कि जो बीसी है वो भी एबी के इक्वल आई है 2√2 यूनिट्स। एबी आ गया, बीसी आ गया, अब चलेंगे सीडी के ऊपर। इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले तो रूट बना लें। अब सीडी में एक्स वन की वैल्यू -1 माइनस और एक्स टू की वैल्यू -3, वाई वन की वैल्यू 2 और वाई टू की वैल्यू 0। तो -1 + 3 होल स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर, ये आपका बनेगा 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आपका 4 + 4 दैट इज इक्वल टू √2 √8, तो ये बन गया 2√2 यूनिट्स। तो जो आपने पास सीडी आई है वो भी सेम 2√2 यूनिट्स आई है। तो मतलब अभी तक तीनों साइड इक्वल है, तो बहुत चांसेस है कि ये फिगर जो है वो स्क्वेयर और रोम्बस में से एक होगी, लेकिन हमें अभी एडी भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एडी फाइंड आउट करेंगे। अब अपन सबसे पहले रूट लगा दें। तो ए और डी, तो इसको अपन अगर एक्स वन मान लें, एक्स टू की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। आप इंटरचेंज करके भी लेट कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। -3 में 1 ऐड करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, और इधर आपका 2 बनेगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो इट विल बी √8, जो आप देख सकते हो 2√2 यूनिट्स अगेन बनेगा। तो मतलब जो अपने पास एडी है वो भी 2√2 यूनिट्स आएगी। तो मतलब सभी साइड्स इक्वल हो गई है, तो या तो ये फिगर स्क्वेयर है या फिर ये फिगर एक रोम्बस है। उसका पता आप कैसे करेंगे? डायगनल्स निकाल कर। अगर डायगनल्स इक्वल आ गए तो फिर आप लिख दोगे कि ये फिगर एक स्क्वायर है। डायगनल्स अनइक्वल आए तो वी विल कंक्लूड दैट द गिवन क्वाड्रेटरल इज रोम्बस। चलिए सबसे पहले एसी फाइंड कर लेते हैं, डायगनल लाइक दैट। तो ए और सी, एक्स वन की वैल्यू -1 देन माइनस एक्स टू की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर।
माइनस माइनस प्लस और उसका स्क्वायर। माइनस टू और माइनस टू करेंगे तो माइनस का फोर बनेगा, ये आपका कट के जीरो आ जाएगा क्योंकि वन एक प्लस का है और एक माइनस का है। माइनस फोर का स्क्वायर प्लस का 16 होता है और 16 का जो रूट है वो 4 होगा। तो इसका मतलब है जो एसी है, जो डायगनल है, वो मेरे पास 4 यूनिट्स आया है। चलिए अब फाइंड करेंगे हम लोग बीडी यानी कि दूसरा डायगनल। तो बी और डी अगर एक्स वन हम लोग 1 लेट कर ले तो एक्स टू की वैल्यू है माइनस का 3, वाई वन है 0 और वाई टू भी है 0। माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। 0 में 0 गए 0 होता है, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 होगा और 0 का स्क्वायर 0 तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का रूट 4 आ गया। तो इट मींस जो डायगनल्स हैं वो आपस में इक्वल है, तो फिर फिगर क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। अब इसको मेंशन कैसे करेंगे, एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है क्योंकि सभी साइड्स बराबर हैं और दोनों डायगनल्स भी इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो 4 पॉइंट्स दिए हुए थे वो कंक्लूजन क्या निकलता है कि गिवन फिगर विल फॉर्म अ स्क्वायर, स्क्वायर बनाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारे पास जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो पहले देखते हैं प्लॉटिंग करके कि क्या ये एक फिगर क्वाड्रेटरल बनेगी। लेट मी से ए बी सी एंड डी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुझे 3 तक नंबरिंग चाहिए, तो 1 से 2 से 3 और एक एक्स्ट्रा नंबर 4 हमने लगा दिया। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस का 3 माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 सो ऑन, आप 4 तक 5 तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के पॉजिटिव 5, 3, 1 चाहिए, तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गई। और नेगेटिव के लिए हमें माइनस का 4 चाहिए, तो -1, -2, -3 माइनस का 4, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए प्लॉटिंग करके देखते हैं, -3, 5, तो एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 5, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट ए यहाँ पर मिल जाएगा। 3, 1, 3 और 1, तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1, तो दिस इज 3 पॉइंट। देन सी 0, 3, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो दिस इज द पॉइंट सी।
माइनस का वन है, माइनस का फोर है, तो माइनस वन एंड माइनस फोर, दिस इज डी। तो ये मेरे पास बन गया। और अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये तो एक क्वाड्रेटरल बना ही नहीं। यहाँ पर ए सी बी या ए बी सी तीन पॉइंट्स कोलिनियर आ गए। कोलिनियर आ गए तो इसका मतलब है जब चार में से तीन पॉइंट एक लाइन में आ जाते हैं तो वो एक क्वाड्रेटरल कभी नहीं बन सकता, ये ट्राइंगल बना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप देखिए, अब आपको इसको एक तो ये चीज करोगे, एक हम लोग इसको डिस्टेंस से भी इनको करके दिखाएंगे। पहले अपन क्या लिखेंगे, ए बी सी डी डज नॉट डू नॉट फॉर्म अ क्वाड्रेटरल एज A, B and C are collinear। तो जब भी चार में से तीन पॉइंट होते हैं तो कभी भी वो तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं, कभी भी क्वाड्रेटरल नहीं बन सकता। इट कैन बी प्रूव्ड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला that A, B, C are collinear। तो हम लोग ये फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं कि A, B, C are collinear। कैसे करेंगे? हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में देखा था कि अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंसेस निकाल दो, दो स्मॉलर डिस्टेंसेस का प्लस सबसे बड़े डिस्टेंस के अगर इक्वल आ गया तो मतलब ए बी सी ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वही हम लोग करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं और पहले डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो ताकि आपको हर बार जरूरत ना पड़े लिखने की। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। नाउ AB की बात हो रही है तो X1 और ये X2 मान लेते हैं का स्क्वायर, ये Y1 और ये Y2, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 6 बनेगा, 5 में से 1 करेंगे तो 4 बनेगा। तो ये बन के आपके पास 36 प्लस 16 रूट का 52, रूट 52 वी कैन से यूनिट्स। अगर इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो 52 के फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 13, तो यानी कि 2√13 यूनिट्स ये मेरे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद ए बी हो गया, बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी सी में 3 को एक्स वन और 0 को एक्स टू लेट कर लो, वाई वन को 1 और वाई टू को 3 लेट कर लो। 3 में से 0 गया 3 होता है और 1 में से 3 गया माइनस का 2 होता है। अब 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आपका बन गया √13। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, ए बी आ चुका है 2√13 यूनिट्स, बी सी आ चुकी है √13 यूनिट्स। अब बात करेंगे ए सी की, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो A और C, तो X1 है मेरा माइनस का 3, X2 है 0,
वाई वन है 5, वाई टू है 3, -3 और -0 माइनस का 3 होता है और उसका स्क्वायर 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये मेरे पास बन गया √13 यूनिट्स। तो अब हमारे पास तीनों डिस्टेंसेस आ चुके हैं। अब अगर आप देखोगे बीसी में अगर हम लोग एसी ऐड कर दें तो √13 में अगर मैं √13 ऐड करूंगा तो 2√13 बन जाएगा, जो किसके इक्वल आया, एबी के। वही बात हो गई ना, दो स्मॉलर डिस्टेंसेस तीसरे बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी सी है वो कोलिनियर है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए पॉसिबल है, तो मतलब दोनों तरीकों से हमने मेंशन कर दिया, प्लॉटिंग करके भी और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके भी। तो आपको अगर वहां पे 4 मार्क्स का मिल रहा है तो आप भी दोनों तरीके लगाएं, 2 मार्क्स का मिल रहा है तो आपकी मर्जी है, ये वाला भी कर सकते हो या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा ज्यादा बेटर ही रहेगा। तो ये आप प्लॉटिंग में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो इसीलिए आप लोग जो मर्जी चाहो मेथड यूज कर सकते हो। तो सेकंड पे तो हमारे पास क्वाड्रेटरल बना ही नहीं, तो टाइप पे जो कोई बात कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में जो पॉइंट्स गिवन है वो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट इज 4.5, 7.6, 4.3, 1.-2, आई थिंक -2 ही है। चलिए फ्लोटिंग करके देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बुक में क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को, पहले तो फ्लोटिंग करते हैं। तो एक्स हमें चाहिए 7 तक, तो अभी 7 तक हम लोग बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो जस्ट एक दो पॉइंट्स लिख दो। पॉजिटिव वाई हमें चाहिए 5, 6 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और नेगेटिव वाई हमें चाहिए -2 तक, -1, -2, -3 वाई। तो ये हमने पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर दी। पहला पॉइंट है 4.5, एक्स 4 है, वाई 5 है, तो ये पॉइंट आपका ये बन गया, लेट मी से ए पॉइंट, ए बी सी एंड डी, तो ये पॉइंट है। नाउ पॉइंट बी 7.6, 7 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो ये इधर आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं बी पॉइंट। 4.3, 4 एंड 3, ये सी पॉइंट हो गया। डी है 1, -2, 1 पॉजिटिव का, 2 नेगेटिव का, लाइक दिस। जॉइन करेंगे ए बी सी डी, नहीं ये 1.2, यस वो पॉइंट 1.2 दिया हुआ है, ऐसा तो कुछ भी फिगर नहीं बनेगा।
पॉइंट डी, यस ये लग रहा है, हाँ ये पैरलोग्राम लग रहा है हमारा, फिर भी तो वहां पर 1.2 ही है। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि ये क्वाड्रेटरल है तो है, लेकिन कौन सा टाइप का है, उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो पहले ही डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट ए बी। तो ए बी के लिए x1 - x2 y1 - y2, 4 में से 7 गया माइनस का 3, 5 में से 6 गया माइनस का 1, तो इट विल बी 9 + 1 जो कि आपका √10 यूनिट्स बन जाएगा। तो यानी कि जो ए बी की वैल्यू है वो आ गई है √10 यूनिट्स। कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी तो इसीलिए इसको यहीं पर लीव आउट करें। ओके, अब बात करते हैं बी सी। तो बी और सी, एक्स वन की वैल्यू 7 है, एक्स टू की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू 3 है। 7 में से 4 गए 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी 9 + 9 √18, और 18 के वी नो द फैक्टर्स ऑफ 2 × 3 × 3, तो 3 बाहर, तो 3 √2 यूनिट्स आ जाएगा। तो मतलब जो BC है उसे लिख देंगे 3 √2 यूनिट्स। चलिए अब बात करेंगे CD की, इसको इरेज कर देते हैं इस वाले डिस्टेंस को। ये y डैश है, तो CD रूट C और D, x1 है 4, x2 है 1, y1 है 3 माइनस y2 है 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 गया 3 होता है, और 3 में से 2 गया 1 होता है, तो इट विल बी 9 + 1 दैट इज इक्वल टू √10 यूनिट्स। तो यानी कि जो सी डी है वो √10 यूनिट्स आ गई। वही बात हो गया, ए बी सी डी के इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो रही है, तो फिर ए डी भी 3√2 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो ए एंड डी सपोज कर लो, डी का पॉइंट x1 माइनस फिर x2 y1 एंड दिस इज y2, 1 में से 4 गया -3, और यहां पे भी 2 में से 5 गया -3, तो दिस विल बी 9 + 9 √18 जो कि 3√2 यूनिट्स होता है। तो इसका मतलब है जो AD है वो 3√2 यूनिट्स हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर और रोम्बस की तो बात करनी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी। तो यानी कि रेक्टेंगल हुआ, क्योंकि दिख रहा है कि नहीं है, फिर भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल्स यानी कि एसी एंड बीडी कैलकुलेट करेंगे। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम सिंपल में नहीं होते, तो यही चीज इनको डिफरेंशिएट कर देगी। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी निकालते हैं अपन,
ए और सी, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। फोर में से फोर गया जीरो, तो जीरो का स्क्वायर। फाइव में से थ्री गया टू, टू का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, टू का स्क्वायर फोर, तो ये आ गया फोर, जिसको आप लिख सकते हैं टू यूनिट्स। अब बात करेंगे बीडी की, तो बी और डी, तो एक्स वन और एक्स टू, सेवन माइनस वन सिक्स एंड टू, तो सेवन में से वन गया सिक्स और सिक्स में से टू गया फोर, तो 36 और 16 बन जाएगा, दैट इज रूट 52। अगर अपन 52 की बात करें तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 13, तो मतलब 2√13 यूनिट्स। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है अपना, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट, डायगनल्स आर नॉट इक्वल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट में ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल आती है तो वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन क्योंकि डायगनल्स इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम की फर्दर जो रिक्टेंगल वाली केस है वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमारा सिक्स का थर्ड पार्ट डन हुआ। फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर बना, सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटरल बना ही नहीं, और थर्ड पार्ट में एक पैरेललोग्राम बना है। तो आई होप आपको इस सिक्स क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर दोबारा करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।